उल्लासनगर 3 में आईटीआई विद्यालय की जमीन हड़प करने का मामला सामने आया है। आपको जानकारी देते हैं कि उल्लासनगर शहर में भू माफियाओं द्वारा शहर की काफी सरकारी प्लाटों पर उन्होंने आज अपना कब्जा करके रखा है। महानगर पालिका के स्कूलों के प्लाट पर एसडीओ डिपार्टमेंट की ओर से सीढ़ी चलाकर प्लाट पर कब्जा किया जा रहा है। इसमें एसडीओ डिपार्टमेंट के पूर्व मुख्य अधिकारी जो इसमें पूर्ण तौर शामिल है, ये जो काम की शुरुआत हुई थी भू माफिया को जमीन घोटाले में मदद करना, उसमें मुख्य सूत्रधार अधिकारी गिरासे की इसमें बड़ी भूमिका है। आज भी उनके द्वारा दी हुई सीडी के घोटाले अब तक नजर आ रहे हैं। आज शासकीय जमीन पर निर्माण कार्य में बाधा देने के लिए भू माफिया वहां पर पहुंचे। मामला इस प्रकार से सामने आ रहा है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। एक जगह शासकीय जमीन को अपना बताने वाले लोग खड़े हैं, दूसरी ओर आईटीआई कॉलेज के शिक्षक और अध्यापक जो सरकारी जमीन को बचाने के लिए खड़े हैं। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है एसडीओ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए। बात उल्लासनगर 3 की है, आईटीआई विद्यालय जहां पर कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण किया गया था, उस जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। वहां के शिक्षक ने आईटीआई विद्यालय की सुरक्षा के दीवार का काम वहां पर चालू करवाया था। अचानक कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उस शासकीय जमीन को वह लोग अपना प्लाट बताकर उन शिक्षकों द्वारा काम चालू को बंद करवाया। अब यहां के शिक्षकों ने और अध्यापकों ने इस बात की शिकायत महाराष्ट्र के सीएम और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जल्द ही ट्वीट करके उसे जानकारी दी है और कार्रवाई की मांग भी की है। और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान जी को भी इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी गई है। जल्द ही आईटीआई विद्यालय के शिक्षक और अध्यापक इस पर अनशन पर जाने वाले है। सरकारी तकनीक स्कूल और एक जूनियर कॉलेज को इस प्रकार से भू माफिया को हड़प करने नहीं दिया जाएगा। अब ऐसी सोच शहर के लोगों की बन गई है। शहर की जनता, अब आप आगे आकर तकनीक विद्यालय यानी के आईटीआई कॉलेज को आप बचाइए। जिस प्रकार से कुछ संगठनों द्वारा उल्लासनगर 5 के स्कूल नंबर 21 और 22 को बचाया गया था, मगर वहां पर भी भू माफिया द्वारा फिर से वह प्लॉट, स्कूली प्लॉट खतरे में आ गए हैं। प्रधान अध्यापक एसीपी भोरसे ने कहा कि यहां के भू माफिया अपना हक दिखाकर प्लॉट हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया है कि सरकारी तकनीक स्कूल की जमीन को बचाने के लिए शिक्षकों ने कलेक्टर को और मंत्री को पत्र भी दिया है, नहीं तो सभी शिक्षक मतदाता अपने शिक्षकों के साथ आने वाले शिक्षक विद्यालयों के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आइए जानते हैं पूरी बात की जानकारी न्यूज प्रतिनिधि सोनू हटकड़ के साथ महेश मूलचंदानी। विषय असा है कि आम्ही आमच्या जागेचं शासकीय तांत्रिक विद्यालय उल्लासनगर या जागेचं आम्ही सर्वे करून घेतला होता PLR कडून, आणि ते बांधकाम आम्ही PWD मार्फत सुरू केलेलं होतं। परवाला आमचे ते जे किसनचंद कुटुंब आहेत आमच्या जागेला लागून, तर त्यांनी आमचं काम याच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करून थांबवलेलं आहे, आणि आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरने ते सध्या काम, कुंपण भिंतीचं काम बंद केलेलं आहे। तरी आम्ही आज परत हा विषय पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही मांडला, त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे, आणि ते जे किसनचंद कुटुंबांचे वारसदार आहे त्यांनी आज तो प्लॉट त्यांचा मोजून घेतलेला आहे। पण आमचा सर्वांचं जे शिक्षकांचं मत पडलं की आपण शासनासाठी प्रयत्न करतो आहे, शासनाचं जे काम आहे ते थांबू नये, म्हणून आमचा हा प्रयत्न आहे। तरी आम्ही सर्वांनी असं ठरवलं आहे की कोकण पदवीधर मतदारसंघावर आम्ही बहिष्कार टाकावा, जेणेकरून आम्हाला न्याय मिळेल।